जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं नीता जैन अपना किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चना चाट बनाने जा रहे हैं, वो भी एक नए तरीके से बनाएंगे जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी काले चने ले लिए हैं। अब इन्हें मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब ये देखिए कैसे फूल गए हैं और इतने सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए एक कटोरी चना हमारा फूल के कितना सारा हो गया है। अब भीगे हुए चनों को हम कुकर में डाल देंगे और उसमें 1 कप पानी डालते हुए उसे 2 से 3 सीटी आने तक गैस पर पकाएंगे। यहाँ मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया और उसे गैस पे 2 से 3 सीटी आने तक पकने के लिए रख दिया। अब हमारे चने यहाँ पर पक चुके हैं और ये कुकर का ढक्कन खोल के ये देखिए कैसे हमारे चने पक गए हैं। ये देखिए चने हमारे एकदम हाथ से मसला जा रहे हैं और अच्छे से पक चुके हैं। अब इन चनों का हम एक्स्ट्रा पानी है उसारा निकाल देंगे और इन्हें ड्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक छन्नी से सारा पानी इसका निकाल लिया है। ये देखिए सारे चने मैंने एक बाउल में ले लिए हैं, ये कितने सॉफ्ट हैं। अब हम यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच काला नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हम सफ़ेद नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे। ये चाट बना रहे चाट मसाला तो बनता ही है। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी इमली डाल दी है, आपके पास अगर अमचूर पाउडर है तो आप वह भी डाल सकते हैं। अब इन सारे मसालों में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, उस पर एक पैन रख दिया है, उसमें यहाँ 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। अब तेल गर्म होने पर इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब जीरा और हींग हमारा गर्म हो जाएगा, फिर अब जो सारा हमने मसालों का पेस्ट बनाया था ना वो सारा इसमें डाल देंगे और अच्छे से इन्हें हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे इन्हें अच्छे से। जब तक हमारे सारे मसाले पक नहीं जाते, ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, हमें इन्हें सेकना होगा। ये देखिए हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए हमारे मसाले थोड़े पक चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। इस तरीके से अगर हम चाट बनाएंगे ना तो चाट हमारी बहुत टेस्टी बनेगी। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से। ये देखिए कैसे हमारे मसालों में से ऑयल सेपरेट हो गया है और हमारे मसाले पक चुके हैं। अब हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब जो हमने चने बॉईल किए थे वो इन मसालों में हम डाल देंगे। अब इन चनों और मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इनको अच्छे से चलाते हुए सारे मसाले और चने हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जिससे हमने मसालों की चनों के ऊपर एक परत जमा दी हो। ये देखिए दिख रहे हैं आपको कैसे हमारे मसाले और चने दोनों एक साथ भून चुके हैं और अच्छे से रोस्ट हुए हैं। बस इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और सब सारे चनों को एक बड़े बाउल में निकाल लेना है। अब हमारे चने भून के रेडी हो चुके हैं। 2-3 टमाटर को मैंने अच्छा बारीक काट के रख लिया था, वह डाल देंगे। थोड़े से प्याज डाल देंगे। आप इसमें शिमला मिर्च, खीरा काकड़ी, इस टाइप से कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना घर पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे इसमें। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हमारी ये चना चाट बनके तैयार है। ये देखिए देखते ही आ गया ना मुँह में पानी। अब ये हमारी चना चाट तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब धनिया पत्ती से हम थोड़ा सा इसे गार्निश कर देंगे। अब हमारी चना चाट सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।